रायबरेली में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मातहतों को 14 सूत्रीय चेक लिस्ट सौंपी है। शासन की मंशा अनुसार खास तौर पर महिला अपराध और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये चेकलिस्ट महत्वपूर्ण साबित होगी। जिले भर के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों संग हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक ने थानेदारों से कहा कि वह क्षेत्र के संभ्रांत और धर्म गुरुओं के साथ निरंतर संपर्क में रहें, पड़ोसी जनपदों से आने वाले वाहनों पर खास निगाह रखें। पुलिस अधीक्षक ने शराब के ठेकों के आसपास निगरानी बढ़ाने के साथ ही महिला अपराधों पर अंकुश व लव जिहाद जैसे मामलों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 14 सूत्रीय चेकलिस्ट में पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के साथ ही रजिस्टर नंबर 8 को अपडेट रखने का निर्देश दिया है। देखिए, दिनांक 11 जून को मेरे द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों की बैठक पुलिस लाइन में की गई थी, और उस बैठक के जो मुख्य बिंदु थे वो विगत दिनों में जो भी वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। कल भी हमारे डीजीपी महोदय की एक बैठक में हम लोग को महिला सशक्तिकरण और महिला द्वीप के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए। उसके पूर्व में भी अन्य बैठकों में जो कुछ भी शासन के और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए हैं, अपराध नियंत्रण को लेकर के, पुलिस के बिहेवियर को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जो भी लव जिहाद और इस तरह के मामले हैं उसके लिए जो कार्रवाई हम लोग को करनी है उसके विषय में, और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के विषय में अत्यधिक संवेदनशील होने के विषय में जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनसे उनको अवगत कराया गया। इसके साथ ही क्राइम के जो मुद्दे थे जनपद के उन पर डिस्कस किया गया, और सबको इस बात में निर्देशित किया गया है कि जो भी शासन संबंधित शासन से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका 100% अनुपालन कराया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।